हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे नंद किशोर आचार्य के प्रमुख कथन। कौन कौन से कथन हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं नंद किशोर आचार्य से संबंधित। तो दोस्तों, यह वीडियो KVS, PGT, TGT और UGC, NET, DSSB, CET, ET और जितनी भी गवर्नमेंट प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। तो दोस्तों, यदि आप हिंदी साहित्य, हिंदी गतिविधाओं या हिंदी प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, हिंदी साहित्य के बहुत से ऐसे प्रैक्टिस सेट हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में बहुत ही मदद कर सकते हैं, तो दोस्तों आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, मेरा एक चैनल है J4 जज्बात, अगर आप शायरी पसंद करते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देख सकते हैं। तो चलिए आइए प्रमुख कथन देखते हैं। कवि नंद किशोर आचार्य के कथन उद्धरण कौन कौन से हैं देखते हैं। बहुत से ऐसे इसमें हमने शामिल किए हैं। पहला है, जब आप स्वयं को पहचानना चाहते हैं तो आपको समय और स्थिति से रूबरू होना होता है और अपने समय और स्थिति से आमने सामने होने के लिए एक विधा या अनुशासन पर्याप्त नहीं होता। मुझे लगता है जितनी अलग अलग प्रक्रियाओं मुझे लगता है जितनी अलग अलग प्रक्रियाओं से मैं स्वयं को संपृक्त करता हूँ उतना ही अपने को ज़्यादा समझ पाता हूँ और जितना स्वयं को समझता हूँ उतना ही जीवन को अधिक जान पाता हूँ। तो यह कथन था नंद किशोर आचार्य जी का, जो कि उन्होंने अपने ऊपर कहा कि किस तरह से मैं खुद को समझ पाता हूँ। अगला है, शिक्षा की पहली जिम्मेदारी शिक्षार्थी के प्रति है कि कैसे उसे एक अच्छे, सद्गुण संपन्न, रचनात्मक व्यक्ति के रूप में विकसित किया जाए, जिससे कि वह अपनी अंतर्निहित भावनाओं को मूर्त कर सके। नंद किशोर आचार्य जी का कथन है। प्रत्येक साहित्यकार किसी ना किसी धारणा या अध्यात्म विशेष से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होकर रचना करता है, उसकी विधा काव्य हो या गद्य। अध्यात्म केवल अपने ही देश के सौंदर्य शास्त्रीय मंथन से अणु प्राप्त नहीं करता, वरन जिन जिन देशों के रचना कर्म या भावों या विचारों के संपर्क में आता है उनका भी कुछ ना कुछ प्रभाव प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में होता है। इसलिए भारतीय व पाश्चात्य दोनों ही दर्शनों में विद्यमान आध्यात्मिक तत्वों को अपने चिंतन का आधार बनाते हुए सहज सरल रूप में समाज के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, यह नंद किशोर जी ने कहा। अनुभूत्यात्मक अन्वेषण है साहित्य, यह भी आपने कहा नंद किशोर आचार्य जी ने। फिर, उत्कृष्ट साहित्य वही है जो जीवन की बहुरंगी जटिलता में से गुजर कर ही किसी मूल्य की सिद्धि करता है, यह कहा नंद किशोर आचार्य जी ने। अगला है, काल रचता है पर संहार भी करता है, साहित्य केवल रचता है और इस रचने में काल का संहार नहीं करता बल्कि उसे उस आत्म में रूपांतरित कर देता है जो उसका मूल स्रोत है। और जैसा हाइडेगर कहते हैं, स्रोत ही तो गंतव्य है। फिर है, कविता और दर्शन में, कविता और दर्शन में शायद यही सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि दर्शन पीड़ा का समाधान किसी अवधारणा में तलाश करता है, जबकि कविता बल्कि कला मात्र में पीड़ा की अनुभूति में ही समाधान अंतर्निहित है, नंद किशोर आचार्य जी का कथन है। स्वतंत्रता के अन्वेषी थे अज्ञे, आपने कहा स्वतंत्रता के अन्वेषी थे अज्ञे। विरचनात्मक निर्मित है पाठ, यह भी नंद किशोर आचार्य जी का कथन है।
अभेद साधना है संस्कृति, यह भी नंदकिशोर आचार्य जी ने कहा। फिर है सृजन एक संवेदनात्मक अन्वेषण है, यह भी नंदकिशोर आचार्य जी ने कहा। हकीकत ये है गाजी मलिक के इस मुल्क में हुकूमत खास ओ आम पर सवारी का ही नाम है, इन्हें हुकूमत से जुड़कर ही अपने वजूद का एहसास होता है। जिल्ले सुभानी नाटक में हसन का कथन है। इससे सार्थक मौत क्या होगी मेरी कि कोई हिंदू मुझे मार दे, इसलिए कि मैं मुसलमान को बचा रहा हूँ। मैं जानता हूँ बादशाह खान, डॉक्टर अंसारी या डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे मुसलमान ही यह करेंगे। ज़रूरत होने पर किसी भी सच्चे सत्याग्रही को यही करना होता है। वे सत्य की हत्या होते देखने की बजाय मृत्यु का वरण अधिक पसंद करेगा। बापू नाटक से ये कथन लिया गया है। तुमने देखा होता युवा सत्यवती का वैधव्य, अंबा का देह त्याग, अंबिका का देह दुख, अम्बालिका के अति तिल कर गलना, तो तुम समझती ही कि भीष्म प्रतिज्ञा ने क्या किया निर्दोष जीवन के साथ। हस्तिनापुर नाटक में कहा, कोई भी स्त्री किसी पुरुष को प्रेम के बिना कैसे सह सकती है। प्रेम के बिना देह सौंप देने से बड़ा अपमान भी क्या हो सकता है किसी का। यह था हस्तिनापुर नाटक से लिया हुआ कथन। यौवन कोई वस्त्र नहीं है चक्रवर्ती, वह एक अनुभव है। मेरे लिए अब वह अनुभव एक स्मृति होगा, असहनीय स्मृति। मेरी चेतना इस भोज को अब नहीं झेल पाएगी, टूट जाएगी। ये देहांतर नाटक से लिया गया कथन है। तुम्हारी परिचर्या में वात्सल्य नहीं है माँ, एक लगाव है जो असहाय और वृद्धि पति के लिए, असहाय और वृद्ध पति के लिए होता है। तुम्हें लगता है कि यह बुढ़ापा चक्रवर्ती का है, इसलिए तुम्हें इसकी सेवा करनी चाहिए। नहीं माँ, तुम्हें चक्रवर्ती के साथ होना चाहिए। यह देहांतर नाटक में ययाति की पत्नी शर्मिष्ठा से उसका पुत्र कहता है, हम व्यक्ति को नहीं पौरुष को भोगती हैं। पौरुष सनातन तत्व है, व्यक्ति में उसकी आंशिक अभिव्यक्ति है केवल। प्रत्येक नारी सनातन कामना और पुरुष उसी सनातन पौरुष का माध्यम है। यह कथन देहांतर नाटक में बिंदु का कथन है। धर्म गतिशील है भीष्म, इसलिए वह सनातन है। मृत अतीत से चिपटे रहना धर्म नहीं, जड़ता है, मूर्ता है। हस्तिनापुर नाटक में सत्यवती भीष्म से कहती है, जिंदा रहने के लिए कुछ भी जानना जरूरी नहीं है, जो जान लेता है वह कई बार जिंदा ही मर जाता है। किमिदम यक्षम नाटक में दार्शनिक का कथन है। आचार्य जी ने रचना धर्मिता एवं रचनाकारों पर जिस कोण से विचार किया है, उसे एक तरह से नया भाष्य कहना असंगत ना होगा। कैलाश वाजपेयी, नंदकिशोर आचार्य की काव्य पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। कितने सारे जीवन में जीती है मृत्यु, कितनी सारी संज्ञाओं में ज्ञापित है सर्वनाम वह। सर्वनाम वह में यह है, एक कविता सुनाई पानी ने चुपके से, धरती को सूरज ने सुन लिया, उसको नहीं हो पाया। एक तस्वीर जीवन की बनानी है, एक तस्वीर जीवन की बनानी है, मृत्यु के अंकन के बिना वह पूरी कैसे हो। मृत्यु और जीवन एक साथ दोनों कैसे बने, यह तस्वीर जीवन की तस्वीर में। खोजने दो मुझको अपने में अपना आप, और उसके सब नवरूप तुम्हारे ही कारण जो बने रहते हैं, जीवन की तस्वीर में है।
दर्पण डराता है मुझे संवारूं कितना भी, दर्पण डराता है मुझे संवारूं कितना भी, खुद को दिख जाता है अपनी आँखों का मैल वही जल में है। देखता रहूँगा बस तुम्हें देखकर, मुझे भर आती हैं जो तुम्हारी आँखें, वही जल धो दे शायद उसका, वही जल से लिया गया है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तैयारी कर लो चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, और पूरी वीडियो देखिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।